नमस्कार स्टूडेंट, लास्ट कुछ दिनों से हमने जो स्टार्ट किया हुआ है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, और उन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हमने जो पढ़ा है वो सिंपल डायोड के बारे में अभी तक स्टडी किया है। उसका सिंपल डायोड का पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि हम आगे फिर जीनर डायोड के बारे में स्टडी करें। हमारे पास जो सिंपल डायोड थी जिसको हमने पी एन जंक्शन डायोड बोला था, उस पी एन जंक्शन डायोड में हमारे पास एक पी पार्ट होता है, एक पार्ट हमारे पास एन पार्ट होता है। इस फॉर्मेशन से हमारे पास पी और एन होता है। नाउ उसके बाद हमने उस पी एन जंक्शन डायोड को दो तरीके से बायसिंग किया था। एक हमने फॉरवर्ड बायसिंग किया था, एक हमने रिवर्स बायसिंग किया था। इन केस अगर हम फॉरवर्ड बायस करते थे तो हमने पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, एन को हमने नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट किया था। इन केस अगर हम रिवर्स बायसिंग में करते हैं ये हैं डायोड को, तो हमने पी पार्ट को नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि एन के अंदर जो होता है नेगेटिव चार्ज इन मेजोरिटी होता है और पी के अंदर पॉजिटिव चार्ज इन मेजोरिटी, या यूं कह लिए होल इन मेजोरिटी। और जब भी आप रिवर्स बायसिंग करते हैं तब उस कंडीशन में पी को आपने नेगेटिव से कनेक्ट करना है और एन को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। और जो आपके पास डायोड था, डायोड की जो करेक्टरिस्टिक्स थी, ये आपके पास डायोड की करेक्टरिस्टिक्स आई थी जिसके केस के लिए आपके पास जो रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग में आपके पास कम करंट मिलता था तो यहाँ पर आपके पास ब्रेक डाउन वोल्टेज आती थी, फॉरवर्ड बायस में आपके पास करंट की वैल्यू ज़्यादा आती थी। सिमिलर केस जो इसका सर्किट डायग्राम में, जहाँ कहीं भी हम सर्किट डायग्राम में पी एन जंक्शन डायोड को यूज करते हैं, तो उसका जो सैम्बल था वो पी पार्ट के लिए हमने ये ट्रायंगल हमने बनानी है और उसका ये हमने कनेक्शन करना है। एन पार्ट के लिए आपने ये स्ट्रेट लाइन बनानी है और उसको आपने आगे से ज्वाइन करना है। तो ये आपके पास पी पार्ट होता है, ये आपके पास एन पार्ट होता है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो अब हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे जीनर डायोड की। अब हमारे पास जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड में स्लाइटली चेंज है। सबसे पहला जो चेंज है जीनर डायोड के अंदर, उसके डायग्राम का चेंज है, सर्किट डायग्राम कह सकते हैं आप इसको, सैम्बल भी आप इसको बोल सकते हैं। जो सैम्बल में आपके पास जो एन का पार्ट होता है, एन के पार्ट को आपने स्लाइटली चेंज कर देना होता है, ठीक है। पी पार्ट आपका एज यूजुअल रहेगा, ठीक है। इसके लिए जनरली आपने ये ट्रायंगल बनानी है, उस ट्रायंगल को आपने थोड़ा सा आगे, जब भी आप एन पार्ट करें तो उसको हल्का सा आपने टेढ़ा कर देना है। ये आपके पास पी पार्ट होगा, ये आपके पास फिर एन पार्ट होगा, ठीक है। या पी की साइड आप एनोड शो करेंगे और एन की साइड आप कैथोड या सी शो कर देंगे। अगर हम प्रैक्टिकली व्यू देखते हैं कि जीनर डायोड होती कैसी है, तो इस फॉर्मेशन की आपके पास जीनर डायोड होती है। अगर आप सिंपल सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको ये कलरफुल जो चीज़ नज़र आई हुई है ये नहीं होती। उस कंडीशन में आपके पास ये वाला जो सारा का सारा पार्ट है, एक नज़र से अगर आप देखते तो वो पार्ट आपको ब्लैक विजिबल होता, बट उसको थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला जो कलरफुल पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा ब्लैक, और जो ब्लैक पार्ट आपको यहाँ पर विजिबल होता है ये पार्ट हल्का सा ग्रे या वाइट कलर में होता है। मतलब जो पी एन जंक्शन डायोड होती है, पी एन जंक्शन डायोड मेनली जो आपको विजिबल होगी सिंपल सेमीकंडक्टर में, वो आपको दिखती है, दिखने में जो विजिबल होगी वो आपको ब्लैक
एंड वाइट कलर की विजिबल होगी, और जो जीनर डायोड होती है वो जनरली इस फॉर्मेशन की आपको विजिबल होगी। तो यहाँ से जब भी आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक पता लग जाएगी कि आप पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं या सेमीकंडक्टर डायोड का यहाँ पर यूज करते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन कि जीनर डायोड और सिंपल सिलिकन पीएन जंक्शन डायोड में क्या ऐसा डिफरेंस है कि हमें जीनर डायोड की जो रिक्वायरमेंट है। तो जीनर डायोड इज ए सिलिकन पीएन जंक्शन डिवाइसेस दैट डिफर फ्रॉम रेक्टिफायर डायोड। यहाँ पे जो रेक्टिफायर डायोड है उसका मतलब वही है पीएन जंक्शन डायोड, बिकॉज इट इज डिजाइंड फॉर ऑपरेशन इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। मतलब स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, जीनर डायोड जो है आपके पास इट इज डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ये काम कहाँ पर करती है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। वहाँ पे क्यों काम करती है, किस फॉर्मेशन से काम करती है, तो उसको जो बनाने का तरीका है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कंट्रोल किया जाता है, सेट किया जाता है जीनर के हिसाब से। द बेसिक फंक्शन ऑफ जीनर डायोड इज टू मेंटेन स्पेसिफिक वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल विद इन गिवन लिमिट ऑफ लाइन और लोड चेंजेस। मतलब जो जीनर डायोड जो है स्पेसिफिक वोल्टेज इट्स टर्मिनल विद इन गिवन लिमिट ऑफ लाइन और लोड चेंजेस, लोड चेंजेस के हिसाब से वहाँ पे जीनर डायोड को सेट किया जाता है, ठीक है। टाइपिकली इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग ए स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज फॉर यूज इन पावर सप्लाई एंड अदर इक्विपमेंट। मतलब इसीलिए ये स्टेबल पावर सप्लाई देती है, तो इसीलिए इसको एज एन वोल्टेज रेगुलेटर भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये जीनर डायोड की स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती है, और ये काम कहाँ करती है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ये काम करती है। दीज आर ए सर्किट एंड दीज आर द सैम्बल ऑफ जीनर डायोड। कंस्ट्रक्शन, जीनर डायोड आर डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन। टू टाइप ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन इन जीनर डायोड आर एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। द एवलांचे ब्रेकडाउन अकर इन बोथ रेक्टिफायर एंड जीनर डायोड एट ए सफिशियंट हाई रिवर्स वोल्टेज। जब आपके पास सफिशियंट हाई रिवर्स वोल्टेज होगी उस कंडीशन पर आपके पास जो होगा एवलांचे ब्रेकडाउन मिलेगा। जो एवलांचे ब्रेकडाउन होता है ये दोनों में मिलेगा आपको, सिंपल आपके पास पीएन जंक्शन डायोड होगी उसमें भी आपको मिलेगा, और जीनर डायोड होगी उसमें भी आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। बट द जीनर ब्रेकडाउन अकर इन जीनर डायोड एट लो रिवर्स वोल्टेज। अगर आपके पास रिवर्स वोल्टेज कम भी होगी तब भी जीनर डायोड के इनसाइड में आपको जीनर ब्रेकडाउन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये जीनर डायोड इज हैवीली डोप्ड। जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है वो कैसी होती है, हैवीली डोप्ड टू रिड्यूस ब्रेकडाउन वोल्टेज। डोपिंग जो होती है वो इसमें कैसी होती है, हैवीली डोप्ड होता है टू रिड्यूस ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिससे यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, थिन डिप्लीशन रीजन यहाँ पर बनता है। ए जीनर डाउन ब्रेकडाउन करेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड बाय डोपिंग प्रोसेस। डोपिंग प्रोसेस से भी हम इनके करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब हम कॉमर्शियल बात करते हैं, कॉमर्शियल जो जीनर की बात करते हैं, जीनर डायोड की बात करते हैं, तो जो वोल्टेज ब्रेकडाउन होती है वो उनकी 1.8 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक होती है। जनरली थोड़ा पीपीटी में जो है यहाँ पे कलर जो है अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसके आप ध्यान दे लेना, दिस इज 1.8 वोल्ट टू दिस इज 200 वोल्ट, ओके। नाउ
रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में नॉर्मल डायोड में जनरली वहाँ पे डिप्लीशन लेयर ज़्यादा ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर इस ढंग से इसको डिजाइन किया जाता है कि आपके पास डिप्लीशन लेयर कह लीजिए, डिप्लीशन रीजन कह लीजिए, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करती है, वर्किंग ऑफ जीनर डायोड। ए जीनर डायोड इज मच लाइक एज नॉर्मल डायोड, द एक्सेप्शन बीइंग इज दैट इट इज प्लेस्ड इन द सर्किट इन रिवर्स बायस एंड ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन। मतलब ये काम कहाँ करेगी, रिवर्स बायस में करेगी, और ऑपरेट भी कब करेगी, जब रिवर्स ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे दो करेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे शो की गई हैं। एक आपके पास नॉर्मल डायोड की है, जिसको सिंपल हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, और ये आपके पास जीनर डायोड की है। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एन का मतलब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, और जेड का मतलब आपके पास जीनर डायोड है। जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, उसको जनरली हम एज रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं। रेक्टिफायर का मतलब होता है जो आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और उसके लिए यहाँ पर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। उसकी फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स में ये आपके पास फॉरवर्ड रीजन होता है, ये आपके पास उसका रिवर्स बायसिंग रीजन होता है। और जनरली जो जीनर डायोड की बात करते हैं, तो जीनर डायोड को हम फॉरवर्ड बायसिंग में ऑपरेट नहीं करवाते हैं, उसको हम ऑपरेट करवाते हैं किस में, रिवर्स में उसको ऑपरेट करवाते हैं। और ये उसकी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, और ये जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला पार्ट इसका रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन होता है। नाउ ब्रेकडाउन करेक्टरिस्टिक्स, अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, तो रिवर्स पोर्शन ऑफ जीनर डायोड करेक्टरिस्टिक्स करो, ए रिवर्स बायस वोल्टेज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज वी आर, इज इंक्रीज्ड, द रिवर्स करंट आई आर रिमेन्स एक्सट्रीमली स्मॉल अप टू नी वोल्टेज। या यहाँ पे आपके पास नी वोल्टेज, इस नी वोल्टेज तक जनरली आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो कम रहेगी। ठीक है, द रिवर्स करंट इज आल्सो कॉल्ड एज जीनर करंट, और जिसका नाम देते हैं हम जनरली आई जेड। एट दिस पॉइंट द ब्रेकडाउन इफेक्ट बिगन, मतलब जहाँ से नई वोल्टेज आपके पास बनेगी वहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। द इंटरनल जीनर रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड जीनर इम्पीडेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जीनर डायोड को, उसको हम क्या बोलेंगे, जीनर इम्पीडेंस। बिगेन टू डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएगा। अब सीधी सी बात यहाँ पर क्लियर कट सी बात है कि जैसे ही इम्पीडेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, करंट रैपिडली बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ जीनर ब्रेकडाउन, जीनर एंड एवलांचे इफेक्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सच ड्रामेटिक इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एट ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब यहां पर ये जो करंट की वैल्यू एकदम से जो इंक्रीज होती है, इसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल कौन है, जीनर और एवलांचे ब्रेकडाउन यहां पर रेस्पॉन्सिबल है। इफ द इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, इम्प्योरिटी जो है हाई होंगी, देन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन वेरी लेस, लेस विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल काज हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू डेवलप इन द डिप्लीशन रीजन एट लो वोल्टेज। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही इम्प्योरिटी ऐड आप ज़्यादा करेंगे, उस कंडीशन में आपके पास डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, वोल्टेज चाहे भले ही आपके पास क्या हो जाए, लो वोल्टेज हो। ओके, नाउ लेट अस टेक कोई एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो हमने कंसीडर कर ली, दैट इज 200 एंगस्ट्रॉम। इफ ए रिवर्स बायस वोल्टेज, जिसको हमने एडजस्ट कर दिया किस पे, 4 वोल्ट पे, इज अप्लाइड टू द डायोड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द डिप्लीशन रीजन विल बी 4 डिवाइडेड बाई में दिस फैक्टर इज इक्वल टू 2×10⁸ वोल्ट पर मीटर। अब इसका मतलब यहाँ पे देखिए, विड्थ कितनी थी, वेरी वेरी स्मॉल थी, मतलब ये एंगस्ट्रॉन्ग में हमने ली है, एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब सीधा सीधा 10⁻¹, यहाँ पे हम लेके चलते हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻¹ और
वोल्टेज भी वेरी स्मॉल ली है, ज़्यादा वोल्ट नहीं है, 4 वोल्ट, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अक्रॉस डिप्लीशन रीजन वेरी हाई यहाँ पर डेवलप होती है। मेयरली ए वोल्टेज 4 वोल्ट इज रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये स्मॉल मिस्टेक है यहाँ पे, दैट इज 2 × 10⁻¹⁸ है ये जो हमने अभी न्यूमेरिकल में रिजल्ट निकाला था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दैट इज नॉट 108, दैट इज 10⁸ वोल्ट पर मीटर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सफिशियंट टू रिप्यूट द बॉन्ड एंड सेपरेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा, बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट सेपरेटेड, जितने इलेक्ट्रॉन सेपरेट होंगे एटम से, सडन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट। जैसे ही आपके पास बॉन्डिंग ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होते आपके पास करंट एकदम से बढ़ जाएगा, बाइसिंग आपकी रिवर्स ही है, मतलब रिवर्स बाइसिंग में भी करंट क्या कर दिया इसने, एकदम से इंक्रीज कर दिया है। और ये सब सारी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले किसने की थी, सीई जीनर ने की थी। नाउ जीनर इफेक्ट प्रीडोमिनेट इन डायोड हुज ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 6 वोल्ट। तो जीनर इफेक्ट कहाँ पे प्रीडोमिनेट रहता है, बिलो वोल्टेज 6 वोल्ट। आज के लिए हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट, कल जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन का। थैंक यू स्टूडेंट।